साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। दरअसल मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया आईआईटी या नया आईआईएम नहीं खोला गया है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 26 जुलाई को राज्यसभा में कुमार केतकर ने सवाल पूछा था कि पिछले 5 साल में किन किन शहरों में और कौन कौन से साल में नए आईआईटी और नए आईआईएम खोले गए हैं और इनमें से हर एक आईआईटी और हर एक आईआईएम में कितने छात्रों ने दाखिला लिया है। इसके अलावा कुमार केतकर ने यह भी पूछा था कि पिछले 5 साल में किन किन शहरों में और कौन कौन से साल में नए विश्वविद्यालय खोले गए हैं। कुमार केतकर के इन सवालों का जवाब दिया है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने और उन्होंने बताया है कि फिलहाल देश में कुल 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं, लेकिन पिछले 5 साल के दौरान देश में एक भी आईआईटी और एक भी नया आईआईएम नहीं खोला गया है। आपको अपनी स्क्रीन पर जो दस्तावेज दिख रहा है वो राज्यसभा में दिए गए इसी सवाल का लिखित जवाब है। कुल मिलाकर ये कहना कि 2014 से 2022 के बीच हर साल देश में एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बना है सिर्फ जुमला है और ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि खुद भारत सरकार ही कह रही है और वो भी संसद में जहां गलत होने गलत बोलने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती।